आज का मुद्दा है कि अनुसूचित जाति जनजातियों को जाति के आधार पर आरक्षण क्यों देना चाहिए। आरक्षण को लेकर के हमारे देश में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं, लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल हैं, अलग अलग तरह की बहस है। आज हम आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कुछ पॉइंटों पर प्रकाश डालना चाहेंगे, जिससे कि लोगों के मन में जो भ्रम है, जो उसको लेकर के अंदर एक जातिवादी भावना पनप रही है, विरोध पैदा हो रहा है, और लोगों को देख करके उनके मन में घृणा पैदा हो रही है, कुछ जो आरक्षित वर्ग के लोग हैं उनमें भी घृणा अपने आप को लेकर हो रही है, कुछ जो आरक्षण विरोधी हैं उनमें भी इस बात को लेकर के जो है रोष पैदा है कि इनको आरक्षण दिया जा रहा है और हमें हमारी काबिलियत के अकॉर्डिंग उन पदों पर नहीं पहुंचाया जा रहा, क्योंकि इसके बीच में कहीं ना कहीं आरक्षण उनको रुकावट दे रहा है। तो मैं उन दोनों का ही आज जो है जो डाउट है वो क्लियर करना चाहूंगी कि वो जिस आरक्षण को देख रहे हैं वह आरक्षण कोई गरीबी खत्म करने के लिए कोई योजना नहीं, वह जातियों के आधार पर आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि देश में जातियों के आधार पर सदियों से जिस वंचित समाज को सताया गया, परेशान किया गया, जिसको दबाकर रखा गया, जिसको शिक्षा में, जिसको सामाजिक रूप से पिछड़ा रखा गया, जिसकी जो है हमेशा से घृणा नजरों से देखा गया, उसको बराबरी यानी उसके प्रतिनिधि को उसका बराबर प्रतिनिधि करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। आरक्षण के संबंध में जैसे कई लोगों में अलग अलग विरोधियों में तो धारणाएं हैं ही कि ये गलत गलत भ्रम डाल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आरक्षण का लाभ लिया उनमें भी जो है गलत भ्रम डाला हुआ है। आरक्षण क्या है हम इसको जानना चाहेंगे। समाज के ऐसे तबके के लिए, समाज के ऐसे तबके के लोगों लोग जो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, एक सरकारी सेवाओं में जिनका प्रतिनिधि रूप से जिनका जिनका जिनकी प्राप्ति नहीं हो पाई है, उन्हें आरक्षण के माध्यम से प्राप्ति प्रतिनिधि दिलाया जाए। यानी जो लोग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनको बराबर प्रतिनिधि देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में एससी एसटी जातियों निर्वाचन प्रक्रिया लोकसभा एवं देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, यानी कि राजनीति में आरक्षण। अब यहां भी लोगों में भ्रांतियां हैं कि 10 वर्षों के लिए आरक्षण था, जबकि ये गलत है। आरक्षण 10 वर्षों के लिए नहीं था, ये वास्तविकता यह है कि लोकसभा एवं विधानसभाओं में प्रत्येक 10 वर्ष पर आवश्यकता अनुसार आरक्षण यानी कि जो रिजर्व सीटें हैं वो बढ़ाई जाएं, जबकि सरकारी सेवाओं में कोई भी समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। इसके बाद है उसी प्रकार हमारे जो ओबीसी भाई हैं, ओबीसी भाइयों में जो है उसी प्रकार ओबीसी के संवैधानिक अनुच्छेद 340 एवं 16 की 4 में प्रावधान दिया गया है, जिस तरह से एससी के लिए है उसी तरीके से 340 एवं 16 के 4 में उनको प्रावधान किया गया है, यानी कि ओबीसी के लिए भी प्रावधान है। हमारे बहुजन समाज के को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह नौकरी उनकी जीविका चलाने के लिए नहीं दी गई है। जो हमारे रिजर्व कोटे से गए हुए भाई बंधु हैं वो सोचते हैं कि ये बीबी और बच्चों को पालने के लिए नौकरी दी गई है, नहीं ऐसा नहीं है। नौकरी जबकि ये नौकरी जो दी गई है, जो नौकरियों में आरक्षण है, जो सरकारी पदों पर आरक्षण है, ये समाज की हिस्सेदारी है, ये संख्या अनुसार हिस्सेदारी है और ये समाज का प्रतिनिधित्व है, ताकि हर एक क्षेत्रों पदों में ये प्राप्ति प्रतिनिधि हो सके, उसके माध्यम से शासन प्रशासन न्यायालयों में व्याप्त भेदभाव एवं अन्याय पर नियंत्रण प्राप्त हो सके। जब किसी भी समाज का जन प्रतिनिधि उस क्षेत्र में अगर नहीं होगा तो उसकी बात रखने वाला, उसको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं होगा, तो उसको जो 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 न्याय है वो नहीं मिल पाएगा। जिस तरह से आज ताजा उदाहरण हम देख लें कि लालू प्रसाद यादव को जो है क्या कहते हैं जेल जाना पड़ा, और क्या कहते हैं उसी उसी मुद्दे में, उसी मुद्दे में जगन्नाथ मिश्रा जी को जो है बेल मिल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जुडिशरी में यानी न्यायपालिका में हमारा
प्रतिनिधि ना होने के कारण ऐसा हुआ। जहां प्रतिनिधि नहीं होगा वहां पर आपकी बात नहीं कही जाएगी, इसलिए ये प्रतिनिधित्व जो है पूरा करने के लिए ये आरक्षण दिया गया था, आरक्षण का प्रावधान किया गया था। लोग कहते हैं कि जातियों के आधार पर आरक्षण क्यों, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। मैं इस बात पे भी कहना चाहूंगी कि देश के अंदर जितना भी भेदभाव होता है वो जाति आधार पर होता है, ना कि आर्थिक आधार पर होता है। अभी तक हमने किसी भी गांव में ये नहीं देखा होगा कि गांव में, शहर में, कहीं भी हम देख लें कि किसी को आर्थिक आधार पर उसको प्रताड़ित किया गया हो या आर्थिक आधार पर उसको नीचा देखा गया हो। केवल जाति के आधार पर वहाँ उसका शोषण किया जाता है, जाति के आधार पर उसको सताया, मारा मारा पीटा जाता है, नीच देखा जाता है। मैं ऐसे बहुत सारे आंकड़े मैंने कुछ इकट्ठे किए हैं, मैं उन पर आप लोगों को प्रकाश डालना चाहूंगी। जैसे कि सरकारी स्कूलों में छात्रों से टॉयलेट साफ करवाना, जिसका ताजा उदाहरण हरियाणा के पानीपत जिले का अभी पिछले 2 महीने पहले आया था, कि अखबार में भी ये कटिंग हमारे पास है जिसमें निकली कि जो वहाँ के अध्यापक, जो वहाँ के महोदय थे, उन्होंने कहा कि जो प्रधानाध्यापक महोदय ने कहा कि जो SC ST की छात्राएं हैं वह टॉयलेट साफ करेंगी, वही टॉयलेट साफ करेंगी। तो इससे क्या SC ST की छात्राएं वहां शिक्षा लेने नहीं, टॉयलेट साफ करने जाती हैं? ये जाति के आधार पर ऐसा बयान आया। दूसरा, सार्वजनिक स्थलों पर आज भी अपमान किया जाता है, जैसे कुओं और तालाब से पानी पानी भरने पर मारना पीटना या उनका कुआं अलग कर देना। ये बुंदेलखंड की घटनाएं, अभी पिछले 1 साल में कई घटनाएं ऐसी आई जहां पर कुएं से पानी भरने पर लोगों को मारा पीटा गया, और जब मारपीट का दूसरे पक्ष ने विरोध किया तो उनसे उन्होंने अपना कुआं अलग कर लिया, यानी छुआछूत। जाति के आधार पर उन लोगों को सताया गया। दूसरा, घोड़ी पर बैठकर बारात नहीं चढ़ाने देना, ये कासगंज के गांव की अभी घटना है, जिसमें संजय ने कम से कम 9 महीना तक लगातार संघर्ष किया, कोर्ट गया, कोर्ट जाकर के उसके बाद उसको बारात चढ़ाने का, पूरे प्रशासन के सेफ्टी सुरक्षा के साथ बारात चढ़ाने का जो है उसको अधिकार मिला। उसके बाद भी वहां से कुछ ठाकुर समुदाय के लोग थे, वह वहां से गांव से पलायन कर गए, केवल इसलिए कि एक छोटी जात का, छोटी बिरादरी का आदमी घोड़ी पर चढ़कर बारात निकालेगा और वह ये मंजर देख नहीं सकते, क्योंकि उनके उनके पूरे जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जीवन की सबसे पहली उन्होंने ये घटना देखी कि जाति के आधार पर कोई दलित समुदाय का, ऐसी समुदाय का लड़का बारात निकाल रहा है। तो ये जाति के आधार पर हुआ, ना कि आर्थिक आधार पर हुआ। तीसरी घटना हम आपको बताएंगे, SC ST के लोगों को उनके महापुरुषों की जयंती मनाने, जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मूर्ति लगाने और जश्न मनाने पर उनको रोका जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, उनको जगह जगह मूर्तियां लगाने पर प्रशासन उनकी मूर्तियां उठाकर ले जाता है, उनके जो है झूठे मुकदमे लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाता है। ये आज भी हो रहा है और ये आज़ादी के 72 साल बाद की घटनाएं हैं, जिसमें उनको अपने महापुरुषों के, जिन पर वो विश्वास करते हैं, जिनके लिए वो श्रद्धा रखते हैं, जिनके वो अनुयायी हैं, जिनके वो फॉलोवर हैं, उनकी मूर्ति तक भी वह अपने गाँव में, अपनी ग्राम पंचायत में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पर उनकी मूर्ति लगाने तक से भी लोगों को ऐतराज है, केवल और केवल जातीय मतभेद के कारण। चौथी घटना हम आपको बताएंगे, पांचवी सॉरी, बहुजनों के सम्मेलन या आंदोलन में जाकर उसको हिंसक बनाने की कोशिश करना, बेगुनाहों को गुनाहगार बनाकर जबरन बर्बाद कर देना, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगा देना। जितने भी आंदोलन बहुजन समाज के लोग करते हैं, SC ST OBC के लोग करते हैं, माइनॉरिटी के लोग करते हैं, इनमें कुछ जातिवादी लोग जाकर के किसी तरह से किसी सरकारी वाहन को आग लगा देना, किसी को गोली मार देना, किसी को पानी में जहर मिला करके दे देना, यानी कि आंदोलन को पूरी तरीके से भटकाने की कोशिश की जाती है, उस आंदोलन को देशद्रोही आंदोलन बनाने की कोशिश की जाती है। ये आर्थिक आधार पर नहीं, ये जातीय आधार पर होता है। इसके बाद हम चलते हैं छठे पॉइंट पर, उनकी जमीन छीन लेना, उनके घरों में आग लगा देना और
उनके उनके बीवी बच्चों को जिंदा जलाने तक की धमकियां दे देना। आज भी ऐसी समुदाय की, ओबीसी समुदाय की, आदिवासी लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, और जब वह अपनी जमीन वापस लेने का प्रयास करते हैं, उसको अपना कहने की कोशिश करते हैं, तो उनको माओवादी, उनको आतंकवादी, उनको नक्सलवादी घोषित कर दिया जाता है, और पता ही नहीं चलता कि वह अपना हक मांगते मांगते कब नक्सलवादी बन जाते हैं। तो ये सब जो है ये जातीय आधार पर हो रहा है मेरे भाइयों, ये कोई आर्थिक आधार पर नहीं हो रहा है। इसके बाद मैं आपको ले चलूंगी सातवें पॉइंट पर। सातवें पॉइंट पर है उनको मारना पीटना, ऊना कान चार, जैसे आप देखेंगे मरे हुए जानवरों को जबरदस्ती उनसे उठवाना, और उसके बाद भी कुछ क्षेत्रों में आज भी जो है लोग इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका काम है, और ऐसे पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहां पर उन लोगों को आज भी कोई काम रोजगार नहीं मिलता, वो यही काम करते हैं। गाय ले जा रहे चार दलितों को, चार ऐसी समाज के लोग थे जो कि जिनका काम था मरे हुए जानवरों को उठा करके ऐसी जगह ले जाना जहां से कि बीमारियां ना फैले, जहां से जहां लोग हैं, जहां बस्तियां हैं, उससे दूर ले जा करके फेंकना। वो अपने इस काम को कर रहे थे, लेकिन कुछ जातिवादी गुंडों ने, जातिवादी आतंकवादियों ने उन्हें पकड़ करके इतना मारा पीटा, इतना मारा पीटा कि शायद ही आप लोग देख पाते तो आपके दिल कांप उठता। वह घटना, वह पूरे 1 साल तक वीडियो वायरल हुई, और उनको ऐसे ही नहीं छोड़ा, उनको मारने पीटते ले गए, उसको गाड़ी से बांधा, गाड़ी से बांधकर पूरे शहर में घुमाया। ये क्या हुआ? ये जातीय आधार पर हुआ, ये आर्थिक आधार पर नहीं हुआ। साथियों, इसके बाद मैं आपको आठवें पॉइंट पर ले चलूंगी। आठवां पॉइंट है कि जूती तक पहनने पर ऐसी समाज को मारना पीटना। किसी भाई ने, किसी लड़के ने राजस्थान के अंदर जूती पहन ली, ठाकुर समुदाय ने कहा कि ये जूतियां पहनने का अधिकार केवल ठाकुरों का है, आपने ये जूती क्यों पहनी? और उस लड़के को इतना मारा, इतना मारा, उसका केवल दोष ये था कि उसने जूती पहनी। साथियों, ये भारत देश है, यहाँ पर जूती पहनने पर, जूती उसकी, पैसा उसका, वो किस तरीके का क्या पहने, किस तरीके का क्या खाए, क्या वो करना चाहता है, वो उसके जीवन का व्यक्तिगत मामला है। लेकिन जातिवादी घृणा, जातिवादी मानसिकता इतनी गंदी है कि किसी को अच्छा पहनते, अच्छा खाते भी नहीं देख सकते, कैसे देश तरक्की कर जाएगा? साथियों, इसके बाद अभी खत्म नहीं हुई है मेरी बात, मैंने बहुत सारे पॉइंटों को नोट किया, अभी मैं और आपको ले चलूंगी। अभी 7 पॉइंट आपके सामने मैंने रखे हैं, मैं आठवें पॉइंट, नवे पॉइंट पर ले जाती हूँ, सॉरी 8 हो चुके हैं। रास्ते में मिले छोटी आ, 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 कास्ट के लोगों को जोहर, यानी झुककर, जोहर मतलब झुककर, जोहर झुककर सलाम करना, नहीं करने पर उनको दंड का भोगी होना या मजदूरी नहीं देना, ऐसे अत्याचारों को आज भी अनगिनत घटनाएं होती हैं जिनका संज्ञान भी सभी को नहीं हो पाता। आज भी ऐसे कितने क्षेत्र देश के अंदर हैं जहां पर ऐसी समुदाय को श्रवण समाज के सामने जोहर यानी झुककर, झुककर चलना होता है। अगर वह सीधे होकर के चलें, या वह नाम के पीछे सिंह भी लगा लें, नाम के पीछे अगर वो सिंह भी लगा लें, तब भी उनको मारा पीटा जाता है, उनको गांव से बहिष्कार तक कर दिया जाता है। ये जातीय आधार पर होता है, ना कि आर्थिक आधार पर होता है। इसके बाद मैं और आपको ले चलूंगी आगे 10वें पॉइंट पर। इनकी महिलाओं के साथ देश भर के अंदर हर रोज कोई ना कोई बलात्कार की घटना होती है, होती रहती है, जिसको जिसको लोगों ने आम बात समझ लिया है। बात आ रही है महिलाओं पर। साथियों, अब मैं एक बात यहाँ पर ये कहना चाहूंगी कि देश के अंदर जितने बलात्कार हो रहे हैं उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज की बहन बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहे हैं। वह बलात्कार भी देखिए जातीय आधार पर किए जा रहे हैं, यानी बहन बेटियों तक का फर्क ये लोग कर रहे हैं। क्या हम कहें अब भी कि आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जब देश के अंदर हजार तरीके से शोषण जो है जातीय आधार पर हो रहा है, तो जातीय आधार पर आरक्षण क्यों नहीं? दूसरा इसके बाद पॉइंट दूंगी, एक के बाद एक घटना, हर 12 मिनट में एक दलित उत्पीड़न की घटना जो है दर्ज होती है, मामला दर्ज होता है। ये वो घटनाएं हैं जो संज्ञान में ले ली जाती हैं, थाने तक पहुंच जाती हैं, कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। कितनी घटनाएं ऐसी हैं जो गली मोहल्ले गांव में दम तोड़ देती हैं और थानों तक नहीं जा पाती हैं। अगर वे थाने के तक जाते भी हैं तो रास्ते में उनके हाथ पैर तक काट दिए जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनके घर जलाने की धमकी दी जाती है और उनका हैरेसमेंट किया जाता है। जब उनका मेंटल हैरेसमेंट होता है तो वह न्याय की तो छोड़ो, अपनी दो रोटी
खाने का केवल वो सोचते हैं, न्याय मिलना उनको दूर की बात है। इसके बाद मैं आपके पास पहुंचूंगी 12वें पॉइंट पर। आपके सुनने में यही नहीं देखने में भी आया होगा कि जो लोग जातिवादी लोग आपके साथ मारपीट नहीं कर सकते, आपसे कमजोर हैं, या फिर आपको आपको किसी तरीके से वहां पर वो प्रताड़ित नहीं कर सकते, तो वो सबसे बड़ा हथियार एक अपना लेते हैं। क्या अपनाते हैं? कि वह जो है आपका बहिष्कार कर देते हैं। क्या? सामाजिक बहिष्कार। या तो वह आपसे अपने आप को दूर कर लेंगे, या वह आपको वहां से पलायन करने पर मजबूर कर देंगे। यानी कि स्वतंत्र भारत की आज भी ये घटनाएं हैं जिसमें कि सामाजिक बहिष्कार लोगों का होता है। तो साथियों, आप मुझे बताइए कि किस आधार पर आरक्षण होना चाहिए, किस आधार पर लोगों को जातीय आधार पर आरक्षण होना चाहिए या आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए? आज भी जातीय आधार पर लोगों का बहिष्कार होता है। जो किसी भी देश के अंदर ये घटनाएं नहीं होती, केवल और केवल भारत के अंदर ये घटनाएं पाई जाती हैं। साथियों, 12वां मैं आगे ले चलूंगी। आज जंगल से अनेक पशुओं को गुजरने नहीं दिया जाता। अगर ऐसी समुदाय के पशु भी उनके जंगल से गुजर जाएं तो उनको मार दिया जाता है, उनको सजा दी जाती है। अगर नहीं उनको सजा दी जाए तो उनको जंगलों में घुसने नहीं दिया जाता है, उनको मजदूरी नहीं दी जाती है, उनकी माताओं बहनों को जो है शोषण किया जाता है, उनके घरों में कई कई दिन रोटियां नहीं बनती हैं। ये आज भी आजाद भारत की घटनाएं हैं साथियों। जाति आधार पर आरक्षण की हम विरोध कर रहे हैं, क्यों ना हम जातियों को खत्म करने के लिए कदम उठाएं, क्यों ना हम जातियों का विरोध करें, जो जड़ से जिस चीज की जो बीमारी का जड़ है उसी को क्यों ना खत्म कर दें। अगर आरक्षण से देश की तरक्की नहीं हो रही है तो हम क्यों ना आरक्षण से पहले जो जातियां आई हैं उन जातियों से आरक्षण आया उन जातियों को क्यों ना हम खत्म कर दें, उन जातियों पर क्यों ना काम करें। साथियों, हमें जातियां खत्म करनी होंगी, आरक्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन घटना, मंदिरों में नहीं घुसने देना। ऐसी समुदाय को मंदिर में नहीं घुसने देना। जब धर्म रक्षक की बात आती है तो सड़कों पर यही ऐसी समुदाय को ये उत्तेजित करते हैं, ये मोटिवेट करते हैं कि आप धर्म के रक्षक हो, आप जो धर्म की रक्षा करेगा वह ऊपर स्वर्ग में जाएगा, उसको स्वर्ग का झांसा देते हैं, उसको अच्छी 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 जो है भविष्य का झांसा देते हैं कि आपका जीवन सुधर जाएगा, और उससे धर्म की रक्षा कराने के लिए उसे सड़कों पर उतारते हैं, उसके बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की चिंता ना करके उससे धर्म की चिंता करवाते हैं। और वह भोला समाज इनकी बातों में आकर के वह धर्म की रक्षा करने उतर पड़ता है सड़कों पर। वह जाता है कांवड़ लेने, वह जाता है वैष्णो देवी, वह जाता है सारे धर्म के कर्मकांड करने। क्यों जाता है? उसके मन में यह डाला गया कि धर्म की रक्षा आप करेंगे। जो धर्म की रक्षा करके आता है फिर उसी को मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया जाता है। मंदिर पर घुसने के बाद उसको मारा पीटा जाता है। कितने मंदिरों में ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने बोर्ड तक लगा दिए हैं कि शूद्रों और महिलाओं का मंदिर में घुसना वर्जित है। साथियों, ये जाति आधार की बातें मैं आपको बता रही हूँ, और हम लोग हमारे बीच में से कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन एक भी घटना, एक भी देश के अंदर ऐसा अत्याचार, ऐसा उत्पीड़न की घटना मुझे बता दीजिए जो कि आर्थिक आधार पर हो रही हो। एक भी घटना अगर होती है तो देश के अंदर जातीय आधार पर घटनाएं होती हैं। आज भी बुंदेलखंड की ऐसी घटना मैं आपको बताती हूँ। मैं बांदा गई, मैं 15-20 दिन वहां रही। मैं उन घटनाओं पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहूंगी कि मैं उनकी खुद साक्षी हूँ। जब मैं वहां गई तो हमने देखा, एक गांव में कार्यक्रम हमने किया। कार्यक्रम करने के बाद हम शाम को वहीं रुके, हालांकि रुकना कहीं और था, लेकिन हमने उस गांव की एक चीज ऐसी देखी जिसमें मेरे अंदर जिज्ञासा जागी कि इसको जानना चाहिए। जब वहां हम लोग रात को रुके तो मैंने उनसे पता लगाया कि आप ये बताइए, आपकी ये बेटी तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, साफ सुथरी दिखती है, आप इसको काला करके क्यों रखते हैं? जब उन्होंने वो बात बताई तो मेरे मेरे अंदर एक ऐसा दर्द, ऐसा मेरा दिल कांप उठा। उन्होंने कहा कि बहनी, ये बेटी काली ही ठीक है, अगर इसको हम गोरा और इसका रूप किसी ने देख लिया तो इसका रूप इसके लिए जहर बन जाएगा, हम सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। हमने जिज्ञासा बस पूछा कि बहन जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने जो शब्द कहे उससे मेरा दिल रो उठा।
उन्होंने कहा कि अगर पता चल गया कि मेरी बेटी इतनी खूबसूरत है और सुंदर है, तो आज ही जो है गांव का जो मुखिया है उसके यहाँ से फरमान आ जाएगा और मुझे अपनी जवान बेटी को उसके यहाँ भेजने का कोई शौक नहीं है। इससे तो अच्छा है कि ये काली बन के रहे, ये गंदी बन के रहे, जिससे कि उन लोगों की नज़र इसकी सुंदरता पर ना पड़े। साथियों, ये आजाद भारत की घटना मैं बता रही हूँ। ये आजाद भारत के अंदर, आजाद भारत के अंदर बेटी आजाद नहीं है। वह अपने आप को काला करके उसकी माँ इसलिए रखती है ताकि उसकी आबरू बचा सके, ताकि उसके घर की जो मजदूरी आती है, 2 वक्त का खाना होता है, वह खाना उसका ऐसे ही चलता रहे, उस गांव से उसे भागना ना पड़े, उसकी बेटी की मान सम्मान पर कोई हाथ ना लगाए, इसलिए उसको काला करके रखना पड़ता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, वो दुनिया बहुत दूर है जिस दुनिया को भारत असली जी रहा है। असली भारत देखना है ना, तो चलिए मेरे साथ। हजारों गांव ऐसे हैं जहां मैं दिखाती हूँ, जहां पर सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो तोबक के खाने के लिए तरसते हैं, जो मजदूरी के लिए तरसते हैं। उसके बाद भी हम कह रहे हैं कि आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अरे किस आर्थिक आधार की बात करते हो, जहां पर अगर ठाकुर कमजोर भी है, ब्राह्मण कमजोर भी है, तब भी वह सर्वोपरि है, वह गरीब भी है, भिखारी भी है, तब भी वह सर्वोपरि है। और ऐसी समुदाय का आदमी अगर पढ़ा लिखा भी है, विद्वान भी है, तब भी उनकी नजर में जूता पॉलिश करने वाला है, तब भी उनकी नजर में जूता बनाने वाला है, तब भी उनकी नजर में सब्जी बनाने वाला है, सब्जी उगाने वाला है, भैंस चराने वाला है, गाय चराने वाला है। हमारा यादव समुदाय बहुत भागता है। अरे आप एक बात बताइए, अगर आप शूद्र नहीं हैं तो आप क्या हैं? आप अपनी पहचान करिए। यादव, जाट, सैनी, कुर्मी, लोधे, इनसे एससी और आदिवासी लोगों को पिटवाया जाता है, इनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाया जाता है, कमजोर को पिटवाया जाता है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आप जानिए अपने इतिहास को, आपको इतिहास पढ़ने की जरूरत है। जिस दिन आप इतिहास जान लेंगे, उस दिन आप किसी के झांसे में ना आएंगे, उनकी बंदूक आप अपने कंधे पर लेकर ना चलेंगे। आप आदिवासी और कमजोरों को पीटने की बजाय अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़िए, उनको छीनने की बजाय, उनको कमजोर करने की बजाय, खुद को मजबूत करने के रास्ते ढूंढिए। मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर हम चाहते हैं कि देश के अंदर भाईचारा स्थापित हो, एकता स्थापित हो, तो हमारे जितने भी लोग हैं, वो कहते हैं हिंदू एक है, हिंदू एक है, सारे हिंदू एक हो जाओ, तो वो सारे, मैं उन हिंदुओं से कहना चाहूंगी कि अगर आप सबको हिंदू मानते हैं, तो फिर चमार, कंजर, भंगी, पासी, धोबी नाम से आप इनको क्यों पुकारते हैं? आप इन लोगों को जाति आरक्षण देने में इनको क्या हर्ज है? अरे ये मजबूत होंगे, आपके छोटे भाई मजबूत होंगे। आप क्यों जो है जगह जगह जाकर के ज्ञापन दे रहे हैं, सरकारों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि भी इनका आरक्षण खत्म होना चाहिए, SC ST कानून खत्म होना चाहिए? अरे जब SC ST लोगों पर जातीय आधार पर कुछ उत्पीड़न और उनके साथ भेदभाव होता ही नहीं, तो SC ST कानून से डरने की जरूरत ही क्या है? वो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो खुद ही जो है निष्क्रिय हो जाएगा, वो खुद ही प्रभावहीन हो जाएगा। लेकिन उसके उसके खिलाफ में आपको काम करने की जरूरत क्या है? क्यों कर रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं आप? जिस जो लोग कथावाचक थे, जो लोग कथा कर रहे थे, देवकी नंदन ठाकुर हमारे कथा करते हैं, कृष्ण जी की, ठाकुर जी की कथा करते हैं, और जगह जगह जाकर के वो गीता भागवत पर प्रवचन देते हैं, आज उनको जरूरत क्यों पड़ गई भाई? उनको जरूरत क्यों पड़ रही है मुख्यमंत्री जी से मिलने की कि SC ST कानून बंद होना चाहिए? अरे आप तो हिंदुत्व के रक्षक हैं और हिंदुत्व में सभी आते हैं, और हिंदुत्व में जितनी संख्या SC ST OBC से आपने बढ़ा रखी है, इससे ज्यादा संख्या आपको और कौन मिलेगी? इन्हीं के खिलाफ आप काम करते हैं, इन्हीं का लिया हुआ आप खाते हैं, इन्हीं के लिए हुए से आप पल रहे हैं, और इन्हीं के खिलाफ आप जो है SC ST कानून को खत्म करने का काम कर रहे हैं। जब SC ST पर जाति आधारित कोई उत्पीड़न अत्याचार होता ही नहीं, तो SC ST कानून का विरोध करने की जरूरत ही क्या है भाई? वो खुद ही निष्प्रभावी हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए उसको उसी हाल में। लेकिन नहीं, आप जानते हैं कि आप सदियों से जातीय आधार पर इनका शोषण करते आए हैं, और अभी सदियों तक आपके करने का इरादा है, लेकिन लोग समझ रहे हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। आप ही कथा करते हो, आप ही SC ST कानून का विरोध करते हो, फिर आप ही जो है ज्ञापन देते हो, आप ही जगह जगह जो है जा जा करके सभाएं कर रहे हो। आपको सभाएं करने की क्या जरूरत है भाई? आप तो खुद ही जो है भगवान के एजेंट हैं, भगवान के भक्त हैं, आपको तो खुद ही सब कुछ क्या कहते हैं वहीं बैठे बैठे मिलता है, तो आप SC ST कानून को वहीं स्वाहा कर दीजिए। नहीं, जान लीजिए, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के लिखित संविधान की ताकत से ही आपको SC ST कानून मिला है, और SC ST कानून, SC ST लोगों पर जो लोग
अत्याचार उत्पीड़न करते थे, उनका शोषण करते थे, आज वे डरे हुए हैं कि ये कानून उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित कर रहा है और सुरक्षा दे रहा है। हम लोग इनको खुले में मारते पीटते थे, आज ऐसा मारने पीटने पर कानून इनको सुरक्षा देगा, इसलिए वो लोग उसको ख़त्म करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकारें इनसे बनती हैं क्योंकि सरकार में ज़्यादा वोट परसेंट इन लोगों का है। सरकारें ये छोड़ दें सोचना कि ये लोग बेवकूफ़ हैं, ये जाग रहे हैं, समझ रहे हैं और अधिकारों के प्रति जो है सचेत हो रहे हैं।